जैसे कि आपको हमने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था और पूरे देश भर को भी पता है कि सबरीमाला मुद्दे पर देश में क्या हो रहा है, लेकिन इसके पीछे इतिहास क्या है? क्यों नहीं महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी गई? आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र थे, मोहिनी जिन्हें की भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और केरल में शौव और वैष्णवों के बीच में चलती शत्रुता के कारण एक मध्य मार्ग निकाला गया जिस पर सबरीमाला मंदिर बनाया गया। और मंदिर के पुजारियों का कहना है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे, इसीलिए मंदिर में रजस्वला महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं। सबरीमाला विवाद दरअसल साल 2006 से शुरू हुआ, जब मंदिर के मुख्य ज्योतिषी परपन गड्डी उन्नी कृष्णन ने यह दावा किया कि भगवान अयप्पा अपनी ताकत खोते जा रहे हैं क्योंकि वहां शायद किसी युवा महिला ने प्रवेश किया है। और उनके इस बयान के बाद कन्नड़ एक्टर प्रभाकर की पत्नी जयमाला ने यह दावा किया कि वह भगवान अयप्पा की मूर्ति को छू चुकी हैं, जिनकी वजह से भगवान अयप्पा नाराज हुए हैं। उन्होंने यह दावा किया कि वह साल 1987 में अपने पति के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, लेकिन वहां भीड़ के चलते धक्का मुक्की होने के कारण वह गर्भगृह में घुस गई और भगवान अयप्पा के चरणों में गिर गई। हालांकि उनके इस दावे के बाद केरल में खूब हंगामा हुआ, लेकिन साल 2006 में राज्य के यंग लॉयर एसोसिएशन ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हालांकि ये मामला 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के ट्रस्ट से जवाब मांगा कि आखिर क्यों नहीं महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही, जिसके जवाब में मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे और मंदिर में सिर्फ उन्हीं महिलाओं और बच्चियों को प्रवेश करने की इजाजत है जिनका मासिक धर्म या तो शुरू ना हुआ हो या फिर खत्म हो गया। नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि वह मंदिर में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत के पक्ष में, और 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला संविधान पीठ को सौंप दिया और 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हर वर्ग और हर उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी की तरह अगर पूजा जाता है तो उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दोस्तों, सबरीमाला विवाद पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। थैंक यू।